नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। सीसी रोड बनाने को लेकर दो पक्षों में चले कुल्हाड़ी फरसा। लड़ाई में एक पक्ष के नाबालिग युवक को लगी कुल्हाड़ी। जख्मी हालत में युवक को ले जाया गया जिला अस्पताल। हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने किया झांसी रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। कहां से आया? थाने आई सर। किस थाने में लगता है? सरसा कलाल। क्या हुआ है लड़के? सीसी की लड़ाई थी। लड़ाई तो बहुत पुरानी है। हमारी जगह कब गया है? सीसी गिरी तो हमने फिर अपनी एक फुट जगह दे दी, खम्भों के लाने दे दी, सब का जो अपनी जगह दे दी। उनको मकसद आता है जो कि जो उनके साइड में नाली है, वह नाली को बंद करके सीसी में पानी हमें डालने और हमारा पानी निकलने नहीं दें। मतलब कौन लोग थे? हैं तो हर जन, लेकिन चमार हैं। कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं। और जो है मतलब भी कल बराबर धमकी हमें बराबर दे रहे थे जान से मारवे की, और नालियों नहीं बनन दी, पानियों नहीं निकलन दे रहे थे। कबू हर जाने एक्ट की धमकी, कबू जान से मारवे की धमकी, यही सब चल रहा हो तो उनको तो हम तो बोल नहीं रहे थे। गाय से बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे हमारे भाई से जो है कहीं पर मारा पीटी करन लगे भाई की, जो कुछ वही हुए कहा तुम बच्चा पहुँच गए तो सीधी उनने कुल्हाड़ी मार दी। कहाँ मारी कुल्हाड़ी? खोपड़ी सर में। बच्चा आया है, यशदत्त नाम है उसका। इसकी करीबन उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। इसके सर पे काफ़ी गहरी चोट है। इसका प्राथमिक उपचार करके इसको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए मेरे द्वारा रेफर किया गया है। तो उसके अटेंडर के साथ में कांस्टेबल आया है, उसको उसके बारे में भेजा जा रहा है। जालौन के सिरसा कलार से महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट।